अस्सलाम वालेकुम मैं हूं अब्दुल मालिक फरीद और आज बड़े ही मज़ेदार टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं काफ़ी लोग आप लोगों में से पूछ रहे थे कि कैसे हम सऊदी अरब में रह सकते हैं क्योंकि मुझे अक्सर मेरी वीडियोज़ में देखते हैं मैं उनको कहता हूँ कि मैं बचपन में यहाँ गया था वहाँ गया था तो पता तो उनको चले ही जाता है साफ ज़ाहिर है कि मैं बचपन से यहीं पर रहता हूँ तो मुझे भी अलहमदिल्ला यहाँ पर 24 साल हो गए हैं सऊदी अरब में तो इसीलिए इस टॉपिक पे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि कैसे सऊदी अरब में या मक्का मदीना में हम सेटल हो सकते हैं तो इस वीडियो में मैं तीन किस्म के वीज़े आप लोगों को बताऊँगा हज और उम्र के अलावा आप हज और उम्र पर तो वैसे ही आ सकते हैं हर किसी को पता है कि हज करने की ग़र्ज से भी आप से आ सकते हैं यहाँ पर यानी कि आप हज का वीज़ा लगवा के आ सकते हैं हज करके वापस जाना पड़ेगा और उमरे के वीज़े पे आएंगे तो भी आप एक महीना यहाँ पर आके कर रहेंगे या सत्ताईस अट्ठाईस दिन जितना भी रहना होगा आपके पैकेज में जितना होगा तो आप यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद आपको वापस जाना पड़ेगा तो मैं उनके अलावा जो लोग यहाँ पर रहते हैं मेरी तरह जैसे मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ तो इस तरह के तीन किस्म के मैं वीज़े आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा जो आपके लिए सूटेबल होगा वीज़ा तो वो आप ले सकते हैं और यहाँ पर आके रह सकते हैं सऊदी अरब में और अपनी ज़िंदगी यहीं पर सऊदी अरब में ही गुजार सकते हैं उससे पहले एक ज़रूरी मैसेज है इस चैनल के हवाले से कि अब मेरी हर वीडियो एतवार और जमेरात के दिन आएगी शाम पाँच बजे मक्का मुकरमा की टाइमिंग से तो आप देख सकते हैं आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी एक्टिवेट करके रख सकते हैं कि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता तो एतवार और जमेरात को शाम पाँच बजे मक्का मुकरमा के टाइमिंग से आपको वीडियो मिल जाएगी तो आप सर्च करके भी अब्दुल मालिक फ़रीद आप वीडियोज़ देख सकते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दें और वीडियो को मुकम्मल देखें क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक छोटी सी चीज़ सऊदी अरब की नेशनलिटी के हवाले से भी बताई है तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो जी सबसे पहले तो ये सवाल है कि मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप 24 साल से कैसे मक्का में रह रहे हैं तो जी हाँ बिल्कुल मैं बचपन में ही आया था मक्का में अलहमदुल्लह अल्लाह ताली ने मेरा नसीब लिखा था मेरे वाले के साथ तो मैं अपने वाले के साथ ही आया हूँ यहाँ पर मक् में बचपन से ही तो पहले फैमिली वीज़ा था जो भी यहाँ पर आदमी जॉब के लिए आता है तो हर जॉब पर तो नहीं अलाउ होता है जैसे डॉक्टर वगैरह इंजीनियर ये वो अच्छी जॉब होती है तो उनको अलाउ होता है कि वो अपनी फैमिली भी साथ में रख सकते हैं तो जब फैमिली मेंबर यानी कि कोई बच्चा 18 साल की एज का होता है तो उसे फिर अपना वीज़ा जो है वो सेपरेट करना पड़ता है वो अपने वाले के साथ नहीं रह सकता यानी कि वालदान के, के वीज़े के साथ नहीं रह सकता तो उस तरीके से फिर मैंने अपना अपनी जॉब के हिसाब से अपना वीज़ा सेपरेट कर लिया था मेरा तो ये हिसाब था तो उसी अपनी जॉब के साथ अभी तक मैं जो है जुड़ा हुआ हूँ और उसी के साथ वीज़ा भी मेरा चल रहा है और हर साल जो है वीज़ा रिन्यू होता है अब उन लोगों की बात करते हैं जो लोग आना चाहते हैं जो अभी सऊदी अरब में मौजूद नहीं है और वो सऊदी अरब में आना चाहते हैं यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं मक्का में मदीना में या कहीं भी सऊदी अरब में पूरा सऊदी अरब का कानून तो एक ही है तो उनके लिए क्या करना चाहिए उन लोगों को क्या करना चाहिए तो उन लोगों के लिए तीन तरह के वीज़े हो सकते हैं नंबर एक वर्किंग वीज़ा आप कोई भी जॉब हासिल करें मक्का में सबसे आसान तरीका जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं ज़्यादा वो लोग वही वर्किंग वीज़ा ढूँढें अपनी जॉब ढूँढें मक्का में ऑनलाइन जाएँ होटल्स में रेस्टोरेंट में लेबर कोई भी कोई भी जॉब आप ढूंढें मक्का में या मदीना में या सऊदी अरब में कहीं भी आप रहना चाहें तो जॉब ढूंढें और जॉब के जरिए उसी वीज़े पे आ जाएं जब तक जॉब चलेगी आपका वीज़ा भी चलेगा तो जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग चलेगी उस बंदे के साथ जिसके पास आप जॉब करते हैं या कंपनी के साथ जिसके साथ आप काम करेंगे यहाँ पर आके वर्किंग वीज़े की तो तब तक आप यहाँ पर रह सकते हैं पक्का कोई नहीं है जैसे मैं भी हूँ मेरा भी ये नहीं है कि मैं पक्का हमेशा के लिए यहाँ पर रह सकता हूँ मेरा भी जब तक जॉब है वीज़ा है जॉब का जब तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो मैं उनके साथ चल रहा हूँ अगर एक सिवा मेरी जॉब ख़त्म होती है तो हो सकता है मैं दूसरी जॉब ढूँढूँ फिर उसके वीज़े पर आ जाऊँ तो इस तरह चलता रहता है हिसाब किताब तो ये कैटेगरी नंबर वन हो गई जिन लोगों को जॉब चाहिए जो ज़्यादा पैसे नहीं है जिन लोगों के पास अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा एक्सपेंसेस तो वो उन लोगों के लिए ये काम है यानी कि जॉब हासिल करें उसके ज़रिए आ जाएं यहाँ पर दूसरा अगर आपके पास आप अफोर्ड कर सकते हैं आप बिज़नेस मैन हैं आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है तो दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है तो उन लोगों के लिए हमेशा का वीज़ा है यानी कि हमेशा वो अपनी फैमिली अपने बच्चे अपने माँ बाप साथ में रख सकते हैं उसको ये दूसरी कैटेगरी में दो तरह के वीज़े हैं फिर तीसरी कैटेगरी में जाएंगे दो तरह के जो वीज़े हैं उनमें एक वीज़ा है एक लाख रियाल आप अगर सालाना पे करें उस वीज़े के साथ ये होगा कि आप अपनी ज़मीन ख़रीद सकते हैं यहाँ पर मक्का और मदीना को छोड़ के इन दो शहरों में नहीं ख़रीद सकते और सऊदी अरब में कहीं भी आप अपनी ज़मीन ख़रीद सकते हैं आप अपने नाम से बिज़नेस कर सकते हैं जिन लोगों जो जॉब के वीज़े पे आते हैं वो कभी भी बिज़नेस नहीं कर सकते बिल्कुल उनको अलाउ नहीं है बिज़नेस करना यहाँ पर वो सिर्फ जॉब कर सकते हैं तो इस कैटेगरी में एक लाख एक साल का दें आप तो आप यहाँ पर बिज़नेस भी कर सकते हैं आप यहाँ पर अपनी फैमिली अपने पेरेंट्स भी साथ में रख सकते हैं लेकिन वीज़ा जो होगा वो सिर्फ़ आपका होगा और आप कारोबार भी सिर्फ अपने नाम पे ही कर सकेंगे यानी कि आपके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स जो हैं वो नहीं कर सकेंगे और फैमिली मेंबर्स में बहन भाई नहीं आएंगे पेरेंट्स और बीवी बच्चे आएंगे तो एक लाख अगर साल का आप पे करेंगे अगर आप एक ही बार आठ लाख पे करेंगे आठ लाख रियाल तो हमेशा का आपको वीज़ा मिल जाएगा इसी तरह का यानी कि आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं मक्का और मदीना में और पूरे सऊदीया में कहीं भी ज़मीन भी ख़रीद सकते हैं प्लॉट ख़रीद सकते हैं बिल्डिंग ख़रीद सकते हैं मक्का और मदीना शहर छोड़ कर मक् और मदीना में सिर्फ बिजनेस कर सकते हैं और बाकी पूरे सऊदीया में कहीं भी आप प्लॉट ख़रीद सकते हैं बिज़नेस कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं और वो वीज़ा भी सिर्फ आपका होगा एक सिवा आपकी वफ़ात हो जाती है तो वो वीज़ा जो है आपके बच्चों को नहीं मिलेगा तो ये भी आपने जहन में रखना है और हाँ वो नेशनलिटी भी नहीं होगी वो सिर्फ़ वीज़ा ही होगा लेकिन वीज़ा ऐसा होगा जो हमेशा के लिए होगा आठ लाख पे करें हमेशा के लिए आपका वीज़ा बन जाएगा सऊदीया का तो कैटेगरी टू में जैसे मैंने आपको बताया एक लाख का वीज़ा है जो एक साल आप रह सकते हैं यहाँ पर कुछ भी कारोबार कर सकते हैं और दूसरा आठ लाख का वीज़ा है पूरी ज़िंदगी के लिए आपके फैमिली और पेरेंट्स साथ में रह सकते हैं और साथ में आप यहाँ पर बिज़नेस भी कर सकते हैं अपने नाम से तो अब चलते हैं कैटेगरी नंबर तीन पे कैटेगरी नंबर तीन में है इन्वेस्टर का वीज़ा यानी कि आपके पास मिसाल के तौर पे दो मिलियन रियाल तक का बैलेंस है बैंक में तो आप वो बैलेंस अपना शो करें बैंक में कि मेरे पास देखें इतना पैसा है तो मैं सऊदी अरब में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो आपको इन्वेस्टर का वीज़ा मिल जाएगा उस पर भी आप बिज़नेस कर सकेंगे सऊदी अरब में लेकिन प्रॉपर्टी का मुझे पूरा यकीन नहीं है कि प्रॉपर्टी आप ख़रीद सकते हैं या नहीं लेकिन ये है कि आप अपने नाम पे सऊदी अरब में बिज़नेस करेंगे इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपके इन्वेस्टर का वीज़ा होगा साफ है पैसा भी आपका अपने पास होगा आपके तो इन्वेस्ट करेंगे आप सऊदी अरब में उसकी काफ़ी ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपको ज़रूर चाहिए कि आप वो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें उनकी और यानी कि शरुत उनकी जो शर्तें हैं वो पढ़ें और आप पता करें जो आपके लिए सूटेबल हो वीज़ा वो वीज़ा आप ले सकते हैं और यहाँ पर सऊदी अरब में आ सकते हैं तो एक बार फिर से मैं दोहरा दूँ तीन किस्म के वीज़े पहला जॉब वाला वीज़ा जैसा मेरा है मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ अगर एक सिवा एक जॉब चली जाती है उनके साथ आ, मेरा जो इतफाक़ है जो अंडरस्टैंडिंग है वो उनके साथ ख़त्म हो जाती है तो दूसरा वीज़ा भी मैं लेके आ सकता हूँ यहाँ पर जॉब के साथ साफ जाहिर है अगर कहीं और मुझे जॉब मिलती है तो जैसे मेरा एक्सपीरियंस है मुझे अरबी आती है तो यहाँ पर साफ जाहिर है मेरे लिए ज़्यादा चांसेज़ हैं जॉब के और मेरी जानकारी भी है यहाँ पर लोगों के साथ तो इस चीज़ का एडवांटेज होता है मुझे कि मैं जॉब आसानी से मुझे यहाँ पर मिल सकती है दूसरा वीज़ा जो था वो जैसे मैंने आपको बताया है उस वीज़े में आप पे करेंगे और हमेशा के लिए वीज़ा मिल जाएगा आपको जैसे आठ लाख पे करेंगे हमेशा यहाँ पर रहेंगे सऊदी अरब में और बिजनेस भी करेंगे अपने नाम पर तीसरा वीज़ा जो था वो था इन्वेस्टर का तो आप पैसा शो करें मेरे पास पैसे हैं मैं सऊदी अरब में इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो आप वो पैसा भी ले लें सऊदी अरब में और वीज़ा भी ले लें सऊदी अरब का इन्वेस्ट करें यहाँ पर अब चौथे नंबर पे एक बहुत अहम चीज़ है कि अगर आपको सऊदी अरब की नेशनलिटी चाहिए हो तो क्या नेशनलिटी मिलेगी सऊदी अरब की जी हाँ इसका जवाब है हाँ जी मिल जाएगी नेशनलिटी अगर आप साइंटिस्ट हैं आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं अगर आप सऊदी अरब को नाम दे सकते हैं अपने काम की वजह से तो आपको नेशनलिटी भी मिल सकती है अगर आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं तो भी आपको सऊदी अरब की नेशनलिटी मिल सकती है यानी कि उस सूरत में आपको सऊदी अरब की नेशनलिटी मिल सकती है जिस सूरत में आपको नेशनलिटी नहीं चाहिए होगी बाकी आम आदमी के लिए नेशनलिटी नहीं है तो ये था आज का थोड़ा सा मुख्तलिफ मौजू जो ज़्यारतों से हटके हैं मैं पहले तो ज़्यारतें वग़ैरह पे वीडियो बनाता रहता हूँ तो आज मैंने इस चीज़ पर वीडियो बनाई है क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे तो वीडियो के एंड में मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूँ कि अब से वीडियो इस चैनल पर हर एतवार और जमेरा को आया करेगी शाम पाँच बजे मक् की टाइमिंग से तो अगर आपने मक्का की मजीद वीडियोस देखनी हैं मक्का के बारे में हरम की वीडियोस तो आप ये प्ले लिस्ट खोल के देख सकते हैं और अगर आपने ताइफ़ की ज्यारतें करनी हैं तो आप ये प्ले लिस्ट खोल के देख सकते हैं इसमें ताइफ की ज़्यारतें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन को भी एक्टिवेट कर सकते हैं तो उससे ये होगा जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़